See, production of sound, the first thing that we need to know is the production of sound. Sound is produced due to the vibration of objects. Sound को कैसे produce किया जाता है? चीजों के vibration के कारण, ठीक है? जब चीजें क्या होती है, vibrate करती हैं, तो sound क्या होता है? Produce होता है, ठीक है? Vibration क्या होना चाहिए? Rapid होना चाहिए और to and fro होना चाहिए. किसी भी object का अगर वाइब्रेशन क्या हो, टू एंड फ्रो, विच मींस एक तरफ जाए फिर वापस उसी तरफ आए, विच मींस ऑसिलेशन हो, ठीक है, और रैपिड हो, तेजी के साथ हो, तो फिर क्या होगा बच्चे, साउंड प्रोड्यूस होगा. ओके, नाउ सी एग्जांपल, इसका देख सकते हो, द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स. आपके गले में जो आवाज निकलता है, गले से जो आवाज निकलता है, वो क्यों निकलता है? क्योंकि आपके गले में जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसका साउंड जो होता है वो क्या होता है, वाइब्रेशन के कारण ही आपके गले से साउंड निकल पाता है. ह्यूमन वॉइस किस तरह, किस कारण प्रोड्यूस हो पाता है? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन योर नेक. आपके गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होता है, उनके वाइब्रेशन के ही कारण. वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है. नाउ जैसे एक रबर को आप स्ट्रेच करोगे, रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो और प्लक करते हो, तो वाइब्रेट करते हैं. जैसे ही स्ट्रेच करते हो और छोड़ देते हो तो क्या होता है, वाइब्रेट करता है. वाइब्रेट करके उसमें से आवाजें आती हैं, प्रोड्यूस करता है क्या चीज, साउंड. एक्टिविटी आप इसका कैसे देख सकते हो, एक एक्टिविटी से कैसे इसको समझ सकते हो? जैसे देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने एक सर्फेस के साथ होल्ड कर दिया है, लगा दिया है थ्रेड के साथ, धागा बांध करके, और उसमें एक टेबल टेनिस बॉल, ठीक है, एक रस्सी के साथ टेबल टेनिस बॉल को बांध करके लटका दिया है. ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे. ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, एक मेटल का स्ट्रक्चर होता है, मेटल का, लोहे का हो सकता है, फिर स्टील का हो सकता है, या किसी भी मेटल का या अलॉय का बना हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर ट्यूनिंग फॉर्क कहलाता है, जिसमें ये भी मेटलिक है, ये भी मेटलिक है, पूरा क्या है, मेटलिक. ओके, नाउ स्ट्राइक द प्रॉन्ग्स ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑन अ रबर पैड एंड ब्रिंग इट नियर द ईयर. जैसे ये रबर पैड है ना, ये रबर पैड, इस पर इस ट्यूनिंग फॉर्क से मारो, ठीक है. इस पर इस ट्यूनिंग फॉर्क से मारने के बाद उस ट्यूनिंग फ्रॉक को जब हम लोग अपने कानों के पास ले जाते हैं, तो हम लोग को एक आवाज सुनाई देता है. इफ अ सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल इज टच्ड विद अ वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग, अगर एक लटका हुआ टेबल टेनिस बॉल को हम लोग एक वाइब्रेट करते हुए प्रॉन्ग से, विच मींस इस ट्यूनिंग फ्रॉक से टच करेंगे, तो बॉल क्या हो जाएगा, बार बार इधर से उधर, इधर से उधर क्या करेगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, विच मींस ऑसिलेट करेगा. ये क्या प्रूव करता है, ये शो करता है कि वाइब्रेटिंग और प्रॉन्ग इज वाइब्रेटिंग, प्रॉन्ग इज वाइब्रेटिंग, एंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसेस साउंड. मतलब जो प्रॉन्ग है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करते हुए ऑब्जेक्ट से क्या होता है, आवाज निकलता है, ठीक है. मतलब जब भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उससे क्या निकलेगा, आवाज निकलेगा. आवाज निकलने का कारण ही होता है बच्चे क्या, वाइब्रेशन. ओके, नाउ सी, अब साउंड वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन प्रोड्यूस होने के बाद साउंड प्रोपेगेट कैसे करेगा? आवाज आ रहा है सभी को, क्लियर एवरीवन? बारिश वारिश हुआ है, व्हाट कैन वी डू ऑफ द नेटवर्क, बट अभी आ रहा है. चलो देखो, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड हम लोग देखते हैं. साउंड प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन साउंड प्रोपेगेट कैसे करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता कैसे, पहुंचता कैसे. जैसे हम बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है, तो फिर उसका आवाज किसी दूसरे जगह तक पहुंचता कैसे? तो साउंड प्रोड्यूस तो होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, जिस मीडियम में बोलने वाला बोल रहा है और जिस मीडियम में सुनने वाला सुन रहा है. तो दो अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, या फिर दो सेम मीडियम भी हो सकते हैं. तो दो सेम मीडियम में एक ही मीडियम के अंदर जाए एक जगह से दूसरे जगह, या फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए. ओके, सो द मीडियम कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस, और ये मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है. जैसे गैस मीडियम का एग्जाम्पल हो गया हम लोग का एटमोस्फेयर, जिसमें हम लोग बोलते हैं और आवाज दूसरे जगह पहुंचता है, या फिर सॉलिड मीडियम का एग्जाम्पल हो गया ट्रेन का पटरी, ठीक है. ट्रेन का पटरी पर जब गाड़ी चलता रहता है, तो पटरी पर आवाज आपको सुनाई देने लगता है, दूर से ही गाड़ी आ रहा होता है, ट्रेन की पटरियां क्या होने लगती हैं, शिवर करने लगती है, और आपको आवाज सुनाई देने लगता है. ओके, नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, सो उसके आसपास का जो पार्टिकल्स होगा ना मीडियम में, वो भी वाइब्रेट करता है. ओके, जैसे अगर आप क्या करो, हवा में फूंक मारो, तो देखोगे कि पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर मूव कर रहे हैं. ओके, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है, तो उसके आसपास मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो भी वाइब्रेट करते हैं. द पार्टिकल इन कॉन्टेक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या, पोजीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है, मतलब जो उसका वास्तविक अवस्था है मीडियम, किस मीडियम में मौजूद पार्टिकल्स का. तो जैसे ही कोई चीज वाइब्रेट करेगा ना, कोई चीज वाइब्रेट करेगा, जैसे हम लोग एक लोहा का रॉड ले लिए, चलो ट्यूनिंग फॉर्क ले लिए,
इसको हम लोगों ने किसी मेटल से हिट किया तो हिट करेंगे तो ये क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। और इसके वाइब्रेट करने के आसपास, इसके आसपास जो क्या है, पार्टिकल्स है मीडियम में, ठीक है, वो भी क्या होंगे, इधर से उधर भागने लगेंगे, ठीक है, वाइब्रेट करेंगे। वो क्यों होंगे वाइब्रेट, क्योंकि उनके आसपास जो मेटल है वो क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ है। तो कोई भी चीज जो वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास मीडियम में मौजूद पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं, और जो वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या, उनका इक्विलिब्रियम पोजीशन जो था, विच मीन्स जिस पोजीशन में पहले से मौजूद थे, वो भंग हो गया, वो टूट गया और उसे डिस्प्लेस हो गया, जगह से हटना पड़ा। तो इट देन एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल एंड एडजेसेंट पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट पोजीशन ऑफ रेस्ट। जो पोजीशन ऑफ रेस्ट होता है पार्टिकल का, उससे वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, आगे भागने लगता है, ठीक है। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल्स द फर्स्ट पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दिस प्रोसेस रिपीट्स इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेस द ईयर। होता क्या है दरअसल, जैसे ही क्या हुआ, कोई चीज वाइब्रेट किया, ठीक है, या फिर कोई बोला, तो बोलना क्या होता है, वाइब्रेशन ही होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम कोई बात बोले तो जैसे ही मेरे माउथ से वो बात निकला, तो यहाँ पर एयर में जो पार्टिकल मौजूद है, वो पार्टिकल जो मौजूद है, वो क्या किया, वो आवाज उससे टकराया, वो वाइब्रेशन उससे टकराया, और ये पार्टिकल आगे बढ़ गया, आगे बढ़ करके फिर से अपने पोजिशन में वापस आएगा, लेकिन आगे बढ़ेगा और किसी दूसरे पार्टिकल से टकरा जाएगा और तब वापस आएगा। फिर इस पार्टिकल से टकराया, ये कितने सारे पार्टिकल से टकराएगा, ठीक है, और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कितने सारे पार्टिकल्स आपस में टकराते रहेंगे और अपने जगह पर वापस आते रहेंगे। ऐसे करते करते एक मीडियम के अंदर क्या होता है, आपके कान तक क्या पहुंचता है, आवाज पहुंचता है, ठीक है। ये एक चीज हो गया। अब चलिए, एक स्टूडेंट आया, ओके सी, तो ये हो गया एक चीज, ओके, आवाज के पहुंचने का सुना। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल्स द फर्स्ट पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दिस प्रोसेस रिपीट्स इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेस द ईयर। जब तक आवाज ना पहुंच, जैसे अभी मेरा आवाज कहां तक पहुंच रहा, माइक्रोफोन तक। कैसे पहुंच रहा माइक्रोफोन तक, ऐसे ही मीडियम से होकर के जब पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं और अपने पोजिशन पर वापस आते रहते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा आवाज का वाइब्रेशन, साउंड का जो वाइब्रेशन है, वो पहुंचता है माइक्रोफोन के द्वारा, जो उसको रिसीव करता है, फिर टेक्नोलॉजी की सहायता से आप तक वो आवाज पहुंच रहा है, ठीक है। सो नाउ द डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम बट द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स। द डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडी के कारण, वो तो आगे बढ़ता है लेकिन पार्टिकल खुद नहीं आगे बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल देख रहे हो आगे गया और फिर वापस आ गया, फिर अगला पार्टिकल आगे गया फिर वापस आ गया, यानी ये जो डिस्टर्बेंस है, विच मीन्स जो वाइब्रेशन है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये पार्टिकल जो है वो अपने जगह पर से जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, ठीक है, उसके पोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अंत में जीरो ही हो रहा है, ठीक है। सो वेव जो होता है बच्चे, वेव क्या होता है, वो यही डिस्टर्बेंस होती है। पार्टिकल जो जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ये पार्टिकल का जाना आना क्या करता है, वेव क्रिएट करता है, ठीक है, क्या क्रिएट करता है, वेव, विच मूव्स थ्रू अ मीडियम बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, वेव क्रिएट होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। सो साउंड इज कंसिडर्ड एज अ वेव, इसलिए साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, एक वेव कहते हैं, यानी साउंड एक वेव है, यानी साउंड क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। जैसे लाइट एक वेव है, वैसे साउंड भी क्या है, एक वेव है, लाइट भी एक क्या है, डिस्टर्बेंस है, वैसे साउंड भी क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, ओके। सिंस साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। क्योंकि साउंड वेव किस कारण प्रोड्यूस होते हैं, पार्टिकल्स जो है मीडियम में मौजूद उनके वाइब्रेशन के कारण, इसलिए इसे मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। मैकेनिकल वेव्स मतलब क्या, मैकेनिकल वेव्स का मतलब चीजों के मूवमेंट के कारण, विच मीन्स चीज क्या है, यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, उनके मूवमेंट के कारण, उनके मैकेनिकल एक्टिविटी के कारण साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए मैकेनिकल वेव्स कहलाएगा। अब साउंड का प्रोपेगेशन एयर के थ्रू कैसे होता है बच्चों, सो एयर सबसे कॉमन मीडियम है जिसके द्वारा साउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो जब एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या करता है, आगे बढ़ता है, तो ये क्या करता है, पुश करता है और कॉम्प्रेस करता है एयर अपने आसपास, और एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है जिसमें बहुत ही हाई प्रेशर होता है, जिसको हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, और सी कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब ये जो कंप्रेशन बन गया है, वो क्या होगा, आगे मूव करेगा और ऑब्जेक्ट को, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को आगे, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन को आगे बढ़ाएगा। सो व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड, जो पार्टिकल है ना, वो क्या होता है, जैसे वापस मुड़ता है, ठीक है, आगे बढ़ गया तो कंप्रेशन और वापस मुड़ गया तो क्या हो जाएगा बच्चे, वापस मुड़ जाएगा, तो लो प्रेशर का रीजन क्रिएट होगा, और ये लो प्रेशर का रीजन कहलाता है क्या, रेयर फ्रैक्शन, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो ऑब्जेक्ट जैसे ही मूव करता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जैसे मूव करता रहता है, ये प्रोड्यूस करता है कई सारा कॉम्प्रेशन और कई सारा रेयर फ्रैक्शन, यानी कई बार हाई प्रेशर जोन, कई बार लो प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, साउंड मीडियम में प्रोपेगेट कर पाता है। एग्जाम्पल से आप देखोगे आपको ज्यादा समझ में आएगा,
यहाँ पर जैसे ही हम लोग ने क्या कर दिया, ट्यूनिंग फॉक है मेटल का बना हुआ, ठीक है, इसको हम लोग ने हिट किया, हिट किया तो ये क्या हो रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे करके हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी ये हो रहा है, विच मीन्स जब ये ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा, देखो बच्चों, जैसे ही ऐसे मूव करेगा तो कुछ रीजन ऐसा बनेगा जहां पर पार्टिकल्स क्या होंगे, काफी क्लोज 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 होंगे, ठीक है, आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है, जब क्लोज 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 होंगे तो क्या हो रहा होगा, कॉम्प्रेशन, और जब ये दूर 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 होंगे तो क्या हो रहा होगा, रेयरफ्रैक्शन, सिंपल सा बात है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, दो तरह के वेव होते हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यहाँ पर देख रहे हो, जब कुछ नहीं कर रहे हैं, जब हम लोगों ने हिट नहीं किया है, ठीक है, जब हिट नहीं किया है तो देख रहे हो सेपरेटर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्टिल है सारा पार्टिकल्स, लेकिन जैसे ही इसको हम लोगों ने बाहर की ओर, ये जैसे बाहर की ओर भागा, ठीक है, तो बाहर की ओर भागेगा, इसका मतलब क्या हो गया, बाहर की ओर भागा तो शुरुआत में कॉम्प्रेशन हो गया, विच मीन्स पार्टिकल सीधा भागे आगे की ओर, तो जैसे ही पार्टिकल्स आगे की ओर भागे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही पार्टिकल्स आगे की ओर भागे इस वाइब्रेशन के कारण, इस डिस्टर्बेंस के कारण, तो शुरुआत में तो कॉम्प्रेशन होगा, और उसके बाद फिर जब पार्टिकल रिलैक्स करेगा, वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग उल्टा केस कर दें, इसको बाहर की ओर नहीं जबकि अंदर की ओर क्या कर दें, हिट करें, तो अंदर की ओर हिट करेंगे तो अंदर की ओर जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन, क्योंकि पार्टिकल्स जितने भी होंगे उसके पास आएंगे, पहले वापस आएंगे, रिटर्न आएंगे, दूर वाले रिटर्न आएंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, वापस भाग जाएंगे, जैसे ये वापस मुड़ेगा इस तरफ, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स भी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, दूसरी तरफ भाग जाएंगे, जैसे भागेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेशन जोन क्रिएट होगा, तो पहले रेयर फ्रैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, और ये चलता ही रहेगा, चलता ही जाएगा, ओके, आप इसको ऐसे देख सकते हो, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स टर्न ऑफ योर माइक, ओके, अनम्यूट कर ले अपने माइक को, जब प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, देन यू मे आस्क, ओके, बट इन द क्लास कीप इट ऑफ। नाउ सी, अब यहाँ पर देख सकते हैं, एज यू कैन सी इट हियर फ्रॉम द एग्जांपल, क्या हो रहा है यहाँ पर, दूर दूर है पार्टिकल्स तो कॉम्प्रेशन, दूर दूर है पार्टिकल्स एक्चुअली तो रेयर फ्रैक्शन, और पास पास इसको आप मूव कर लोगे, ये दिस इज कॉम्प्रेशन एंड दिस इज रेयर फ्रैक्शन, ओके, गलत जगह लिखा गया, ये क्या हो जाएगा आपका रेयर फ्रैक्शन, ये हो जाएगा कॉम्प्रेशन, फिर ये हो जाएगा रेयर फ्रैक्शन और ये हो जाएगा कॉम्प्रेशन, ये हो जाएगा रेयर फ्रैक्शन और ये हो जाएगा कॉम्प्रेशन, ठीक है, देख रहे हो किस तरह से रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन बार 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 होता रहता है, पार्टिकल्स आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रेस हो जाएंगे, पास 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 आ जाएंगे, जैसे ही पार्टिकल्स पीछे की ओर मुड़ेंगे, ठीक है, वापस टकरा करके दूसरे पार्टिकल से, तो क्या हो जाएगा, दूर 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 पार्टिकल्स रहेंगे, तो ये पार्टिकल्स का पास पास आना कहलाता है कॉम्प्रेशन और दूर दूर आना कहलाता है रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, साउंड एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है। अब बच्चे साउंड को जो है क्या जरूरत होता है, साउंड को जरूरत होता है एक मीडियम ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, साउंड एक माध्यम की सहायता से ट्रेवल करता है, साउंड मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड लिक्विड गैस सभी मीडियम से, ठीक है, लेकिन साउंड जो है वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करता, विच मीन्स स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं करता, इसीलिए जो स्पेस में घटनाएं हो रही है उसका आवाज जो है हम लोगों को नहीं पहुंचता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि साउंड जो है ट्रेवल नहीं कर पाता है, साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाता है कहाँ पर, स्पेस में जहां पर वैक्यूम है, लेकिन फिर वही लाइट क्या होता है, वैक्यूम से ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम से प्रोपेगेट कर सकता है, इसलिए लाइट जो है सन का या फिर दूसरे किसी भी चीज का, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का, अर्थ तक पहुंच पाता है, क्योंकि लाइट कैन प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम बट साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम, इसलिए क्या होता है, जब आप स्पेस में जाओगे तो फिर वहां पर आप आवाज कुछ कितना भी जोर से बोल लो, कितना भी चिल्ला लो, आपका आवाज कोई नहीं सुनने वाला, किसी तक नहीं पहुंचने वाला, ठीक है। खैर, अब एक एक्टिविटी से इसको समझेंगे, हम लोग एक इलेक्ट्रिक बेल जो है ना, इलेक्ट्रिक बेल उसको सस्पेंड किया, लटका है, ठीक है, एयर टाइट बेल जार, ठीक है, ऐसा बेल जार, ये बेल जार है हम लोग का, इसमें क्या है, हवा बाहर से नहीं जा सकता, ठीक है, एयर टाइट है पूरी तरह से, ओके, नाउ बेल जार जो है उसको वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है यार, ये रहा हम लोग का वैक्यूम पंप, ओके, वैक्यूम पंप से जोड़ देंगे, अगर हम लोग स्विच को प्रेस करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर देंगे, स्विच को प्रेस कर देंगे, ये रहा वैक्यूम पंप से कनेक्टेड, ओके, नाउ वी कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल, जैसे ही हम लोग स्विच को प्रेस करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, बेल का साउंड सुनाई देगा, ओके, ये क्या शो करता है, ये शो करता है, ठीक है, ये शो करता है क्या चीज, कि साउंड को मीडियम का आवश्यकता होता है ट्रेवल करने के लिए, साउंड वैक्यूम से नहीं ट्रेवल कर सकता, जैसे हम लोग ने वैक्यूम ट्यूब से इसको जोड़ा है ना, तो इससे क्या होगा, एयर इसमें प्रेजेंट नहीं है और वैक्यूम है इसमें, ठीक है, और स्विच करेंगे जैसे ही हम लोग स्विच किए तो फिर क्या होगा, बेल क्या करेगा, बजने लगेगा, लेकिन बेल
आवाज आपको उसके बाहर नहीं सुनाई देगा, बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा बाहर में आपको इसके बाहर बिल का आवाज? क्योंकि एयर टाइट है, जो वैक्यूम से कनेक्टेड है, इसमें क्या है, एयर है ही नहीं, वैक्यूम है, ठीक है। इसमें जब आप बिल कितना भी जोर से बजा लो, बाहर आवाज नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मीडियम जो जरूरत होता है क्या, किसके लिए, प्रोपेगेशन के लिए, वो क्या होता है बच्चे, मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, बट वैक्यूम नहीं हो सकता, ठीक है। अब देख लो साउंड वेव्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। कैसे समझे, साउंड वेव्स एक मीडियम में कॉम्प्रेशन और एयर फ्रैक्शन के सीरीज के तौर पर ट्रेवल करते हैं, मतलब कभी पास पास और कभी दूर दूर, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो इस तरह के वेव्स में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, यानी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस है ना, उसके पैरेलल। दिमाग में रखोगे, अगर डिस्टरबेंस का प्रोपेगेशन भी ऐसे है और पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, वेव का जो मूवमेंट है, वो भी ऐसे है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों जो पैरेलल होगा तो फिर क्या कहलाएगा, जो साउंड वेव है या फिर जो भी किसी भी तरह का वेव है, वो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कब कहलाता है, जब कोई भी वेव क्या हो, पैरेलल टू द डिस्टरबेंस हो। जो डिस्टरबेंस है उसके पैरेलल होगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। लेकिन जब क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, डिस्टरबेंस के परपेंडिकुलर हो जाएगा कोई भी वेव, तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। लेकिन साउंड वेव क्या होता है बच्चे, ट्रांसवर्स नहीं होता, क्योंकि डिस्टरबेंस जिस डायरेक्शन में होता है, जिस तरह से होता है, उसी डायरेक्शन में उसी तरह से क्या होता है, साउंड वेव भी होता है। इसका मतलब साउंड वेव क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ना कि ट्रांसवर्स वेव, ओके। एक हम लोग एक्टिविटी इसके लिए देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। सी, स्ट्रेच अ स्लिंकी एंड पुश एंड पुल इट अल्टरनेटली एट वन एंड, इफ यू मार्क अ डॉट ऑन द स्लिंकी। ये हम लोग का एक स्लिंकी है, स्प्रिंग है, ठीक है, इसको हम लोग पुश और पुल करेंगे, ठीक है, यानी पहले खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, पुश और पुल करेंगे, ओके। Now, so the dot moves back and forth parallel to. अब अगर हम लोग एक डॉट मार्क कर दें इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्या कर दें, कहीं पर एक डॉट मार्क कर दें, कहीं पर भी कर सकते हैं, we can do it anywhere, ठीक है, डॉट मार्क कर दें, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्या, कि the dot moves back and forth parallel to the direction of the propagation of disturbance. अगर disturbance क्या होगा, इस direction में propagate कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि disturbance जिस direction में propagate कर रहा है, उसी direction में जो हम लोग का, मान लो यहाँ पर डॉट था, ठीक है, यहाँ पर जो डॉट था, तो ये भी क्या हो रहा है, इधर 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 ही क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ओके, इधर 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 ही क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, विच मीन्स डॉट भी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर क्या है, साउंड वेव है, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये आगे पीछे आगे पीछे, यानी पैरेलल हो गया किस चीज के, डिस्टर्बेंस के, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस के जो पैरेलल होता है वो कैसा वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल। ये हम लोग का प्रूव हो गया कि साउंड वेव क्या होता है बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, ओके।